हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोशल लाइफ में। दोस्तों आज हम इंडिया के लार्जेस्ट प्रोजेक्ट यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की सारी जानकारी हम आज आपको देंगे, इसी के साथ साथ प्रोग्रेस भी आपको बताएंगे। दोस्तों अगर ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो उसका कारण क्या है वो भी आपको हम बताएंगे, बस आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं आहान, आप देख रहे हैं सोशल लाइफ, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2008 में हुई और 2010 में इसका ब्लूप्रिंट बनाया गया। 2012 में ऑफिशियली ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और 2013 में जापान इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई बॉडी बनाई जिसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी DMICDC कहते हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्ट का पूरा इम्प्लीमेंटेशन इस ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट इंडिया की कैपिटल दिल्ली से लेके इंडिया की लार्जेस्ट सिटी मुंबई तक चलेगी। इसकी टोटल 1500 किलोमीटर की लेंथ होगी और इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट $100 बिलियन बताया गया है। दोस्तों इस कॉरिडोर में 24 इन्वेस्टमेंट रीजन, 8 स्मार्ट सिटीज, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, 2 मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स, 2 पावर प्लांट्स और 2 नए लॉजिस्टिक हब्स भी बनाए जाएंगे। दोस्तों इस प्रोजेक्ट से इंडिया के 6 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी इन्फ्लुएंस होगी और वो है दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सभी स्टेट्स इस प्रोजेक्ट से इन्फ्लुएंस होंगे। जैसे कि आपको पता है दोस्तों इस प्रोजेक्ट का लेंथ 1500 किलोमीटर है और उसमें से गुजरात और महाराष्ट्र इन दो स्टेट्स में करीब 1100 किलोमीटर का इस प्रोजेक्ट का इन्फ्लुएंस होगा और बाकी के स्टेट्स में सिर्फ 400 किलोमीटर का इन्फ्लुएंस होगा। दोस्तों इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे पास बनाया जा रहा है और ये इंडिया का, हिंदुस्तान में छोटे शहर हैं, बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट एकदम नया है। हालांकि मेट्रो सिटीज सुविधाओं के लिहाज से काफी आगे हैं, आखिर स्मार्ट सिटीज में ऐसा क्या होगा जो वो हिंदुस्तान के दूसरे शहरों से अलग होंगी, ये जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आखिर कैसी होती है स्मार्ट सिटीज और क्यों मोदी ने देखा है देश के लिए ये स्मार्ट ड्रीम। मोदी सरकार देश में इसी तरह के 100 स्मार्ट सिटीज बनाने की तैयारी में है। स्मार्ट इसलिए क्योंकि ये शहर बेहद आधुनिक होंगे, इनमें लोगों की जरूरत की हर एक चीज मौजूद रहेगी, यानी इन शहरों में मॉडर्न और लग्जरी लाइफ जीने के लिए सारी सुख सुविधाएं होंगी। स्मार्ट सिटी एक ज़्यादा एफिशिएंट शहर होगा और ये एफिशिएंसी कोई एक प्रकार की एफिशिएंसी नहीं होती, एफिशिएंसी आप किस प्रकार से एनर्जी मैनेज करते हैं उसकी एफिशिएंसी होती है, किस प्रकार से आपका यातायात मैनेज किया जाता है उसमें एक एफिशिएंसी होती है, किस प्रकार से म्यूनिसिपल सर्विसेज सुअरेज वाटर सप्लाई ये सब विकास लाभदायक જી ચોક્કસ એવું કહી શકાય કે સોલર પાર્ક બનવાની મુખ્યપ્રધાને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપી છે, 5000 મેગાવોટ જેટલી વીજળી ના પાર્ક માટેની મંજૂરી આપવામાં આવી છે અને આ જ પ્રમાણે આ સમગ્ર પાર્કના કારણે 20000 થી વધુ લોકોને રોજગારી મળવાની છે। સ્વાભાવિક છે કે વીજળી ઉત્પાદન થવાથી સમગ્ર ગુજરાતને ફાયદો થશે, દેશને પણ ફાયદો થવાનો છે, કારણ કે વીજળીનું મહત્તમ ઉત્પાદન વધતાની સાથે જે કુદરતી સ્ત્રોતમાંથી વીજળી મળવાની છે, સોલર પાર્કમાંથી વીજળી ઉત્પન્ન થવાની છે, તેના કારણે જે એનર્જી છે એ સહિતના તમામ ક્ષેત્રના આને એક મોટો બુશઅપ મળશે અને અંદાજ પ્રમાણે 25000 કરોડનો રોકાણ થવાની સંભાવનાઓ સરકાર દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે અને તેના જ કારણે આજે મુખ્યપ્રધાને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપી છે અને એક સોલર પાવર ક્ષેત્રે ગુજરાત એક મોટી હરણફાળ ભરશે એવું નિશ્ચિત માનવામાં આવી રહ્યું છે। જી બિલકુલ, તમામ જાણકારી બદલ આભાર હિતલ। તો સોલાર પાર્કની સ્થાપનાને મંજૂરી મળી ગઈ છે, મુખ્યપ્રધાન રૂપાણીએ સૈદ્ધાંતિક રીતે મંજૂરી આપી છે, ધોલેરાસરમાં વિશ્વનો સૌથી વિશાળ સોલાર પાર્ક બનશે, 5000 મેગાવોટનો સોલાર પાર્ક સ્થપાશે, સોલાર પાર્કમાં 25000 કરોડના રોકાણની સંભાવના છે, ખંભાતના અખાતમાં 11000 હેક્ટરમાં આ સોલાર પાર્ક બનશે અને મુખ્યપ્રધાન વિજય રૂપાણીએ તેને લઈને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપી છે, વિશ્વનો સૌથી વિશાળ આ સોલાર પાર્ક બનશે। ધોલેરાસરમાં સોલાર પાર્કની સ્થાપનાને મંજૂરી અપાઈ છે, મુખ્યપ્રધાન રૂપાણીએ આ બાબતને લઈને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપી છે, ધોલેરાસરમાં વિશ્વનો સૌથી વિશાળ સોલાર પાર્ક બનશે। આ વિશે વધુ વાતચીત કરવા હિતલ પાર્ક અમારી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાય છે। હિતલ, વિશ્વનો સૌથી વિશાળ સોલાર પાર્ક બનવા જઈ રહ્યો છે ધોલેરાસરમાં, સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી મુખ્યપ્રધાન દ્વારા આપવામાં આવી છે, આ પાર્ક બન્યા બાદ આખરે કયા કયા વિસ્તારોને ફાયદો થશે, ગુજરાત આ વિકાસ
गुजरात के धोलेरा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए सभी मंजूरियां मिल गई हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2022 में यहां से पहली उड़ान भरी जाएगी। गुजरात के लिए धोलेरा का अंतर्राष्ट्रीय हवाई काफी महत्वपूर्ण है। देखिए खास रिपोर्ट। अहमदाबाद के लिए दूसरे एयरपोर्ट का रास्ता साफ हो गया है। अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर धोलेरा में नया एयरपोर्ट बनाने के लिए सभी मंजूरियां मिल गई हैं। धोलेरा एयरपोर्ट के लिए पिछले कई सालों से कोशिशें चल रही थीं। नरेंद्र मोदी जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तभी कोशिशें शुरू हुई थी। उम्मीद की जा रही है कि 2022 तक यहां से पहली उड़ान शुरू हो जाएगी। अहमदाबाद एयरपोर्ट का जो है उसकी अपनी सैचुरेशन पे पहुंच चुका है, इसलिए अहमदाबाद को एक नए एयरपोर्ट की जरूरत भी है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसमें पार्टनर होने वाला है। इसमें उनकी 51% इक्विटी होगी और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की इक्विटी 49% होगी। इसकी डेवलपमेंट नहीं, इसे काम पटवा लेने का। देखो ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग 6000 वर्कर काम कर रहे हैं इनके अंदर। गुप्ता जी सही है ना? जी जी 100%। और अगर किस कोई कॉन्ट्रेक्टर हो तो उसको भी यहाँ पे मिल जाएगा काम। हाँ, अगर दो 2500-3000 आदमी को इनको लाना पड़ेगा। हाँ, वर्कर की जिम्मेदारी उनकी रहेगी। हाँ, सामने से कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा यहाँ पे। आपको मैं जो बता रहा था ना 180 फुट वाला रोड, उसके ऊपर से जो गाड़ियां चल के आ रही है देखो। हाँ, उस तरफ है राइट साइड में। हाँ,